How's life? Great, great. अच्छा मिकाल, नाम जरा डिफरेंस है. मिकाल. मिकाल. अगर हम मिकाइल तो सुना हुआ है. Actually, Mikaal is a kind of a derivation from Mikael. अच्छा. और my mother is English, तो उनको माइकल नाम बड़ा अच्छा लगता था. अच्छा सही. और तो उन्होंने जब उसका इस्लामी वर्जन निकाला तो मिकाइल आई गेस वाज एन ऑप्शन और फिर मिकाल. सो यहाँ से मिकाल हो गया. तो यहाँ से मिकाल हो गया. अच्छा वेरी गुड. सो वी कैन सी कि आपकी गुड लुक्स हैं वो कहाँ से? वेल आई गेस अब्बा इसको माइंड नहीं करते क्या? नहीं अब्बा भी बड़े हैंडसम है माशाल्लाह. When I used to be in school, all the teachers were always asking about my dad. Very good. And how about male teachers? वो नहीं पूछते थे आपकी मम्मी है या अरे देखो हम कितने आसानी से मेंशन कर देते हैं इस चीज को कि मतलब अब्बा को टीचर्स पूछते थे मम्मा के बारे में. We all feel कि नहीं यार हमारी देखिए we're still a sexist society whether we like it or not. Very true, very true. Sorry to say. हाँ बिल्कुल ऐसे. और इस हकीकत को मानना चाहिए कि हाँ हम ऐसे मतलब हम feel करते हैं इन चीजों को. आप हो शॉविनिस्ट मेल एक जरा यार आई थिंक सोसाइटी का असर होता है यू नो. सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हाँ मैं हूँ थोड़ा सा एज मच एज आई लाइक नॉट टू बी मे बी लेकिन आई थिंक यू नो कुछ चीजें इनबिल्ट हो जाती हैं. लेकिन आप तो इतने बेजरर इतने मासूम इतने मजलूम किस्म लगता हूँ बस. I think so. I don't know. हम सोच भी नहीं सकते कि इस चेहरे पे जब वो तासरात आते होंगे. नहीं नहीं मैं कोई जालिम नहीं हूँ ऐसा नहीं है. अच्छा. मैं जालिम नहीं हूँ बिल्कुल भी. I am very you know soft at heart I think और you know मेरा दिल आ जाता है चीजों पे as in you know I feel for things you know मुझे कदर भी होता है एहसास भी होता है you know all of those feelings so you know that's all there. बिल्कुल सही. बट जैसे मैंने कहा आई थिंक सोसाइटी का असर थोड़ा बहुत होता है. अब वो अम्मा वाली सोसाइटी का असर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैं उधर रहा नहीं ज्यादा. बिकॉज मैं रहा इधर पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ की यू नो चीजों का ज्यादा असर हुआ. ज्यादा असर हुआ. बिल्कुल अगर मैं वहां रहता तो मैं आई वुड बी अ डिफरेंट पर्सन. आई वुड बी. बिल्कुल सही. अरे हम कंटिन्यू करेंगे मिकाल. थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है. ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा फिर मिलेंगे. जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर. आज हम मिल रहे हैं वेरी हैंडसम मिकाल जुल्फकार से. मेरे अंदर और भी खूबियां हैं वैसे. अच्छा वो आपने हमें आज गिनवानी है पूरी. क्या क्या और खूबियां? क्या क्या और खूबियां? Well, I guess आप समझो कि रिश्ता लेने के लिए आई हुई हूँ मैं. और लड़के की खूबियां गिनवाई थी वो भी तो नहीं होती. बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ मैं. बड़ा मेहनती लड़का और, है. बहुत सारा ऑनेस्ट भी हूँ. अच्छा ईमानदार है. हाँ, हाँ. किसके साथ? हर चीज के साथ. हर चीज के साथ. हर रिश्ते के साथ. अगर किस किस के साथ? वो भी कोशिश है कि हर किसी के साथ. अच्छा गुड सही. और क्या क्वालिटीज हैं? आई एम वेरी लविंग. आई एम वेरी केयरिंग. अच्छा और इसको जरा उर्दू में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि हमारा लड़का जो है बड़ा प्यार करने वाला है? बहुत प्यार करने वाला है. आई गेस आज तक किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा होगा. ये नहीं कहा कि हमारा लड़का बड़ा प्यार करता है. तो ये कह सकते हैं कि प्यार कर सकता है. अच्छा काबिल है प्यार करने के. हाँ. और आई लाइक यू नो आई थिंक आई एम वेरी केयरिंग पर्सन. रियली? या आई थिंक सो. मतलब आप उन लोगों में से हैं जो आशिक बनना पसंद करते हैं या माशूक? ये दोनों मुख्तलिफ सिफात है ना. एक कहता है यार मेरे पीछे. नहीं, मैं आशिक हूँ डेफिनेटली. और मुझे इश्क अपने काम से भी है अपने रिश्तों से भी है और you know in a way I'm enjoying life as well. Great. Now who's the lucky person? भाभी हमारी माशाल्लाह बहुत लकी हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इश्क की आप भी रिवायती मर्दों की तरह जो कहते हैं शादी तो बंदा कर लेता है इश्क दरअसल कोई और चीज है. नहीं नहीं I had a love marriage and I fell in love with her. And हाँ I think पता नहीं for me मतलब I guess because of my upbringing और मेरा mixed culture I think मैं उस तरह पाकिस्तानी रवायती चीजों में इतना नहीं हूँ. जैसे मैंने कहा शुरू में जो इंटरेस्टिंग एक बात थी कि सोसाइटी का थोड़ा असर हो जाता है यू नो. और कुछ करना भी पड़ता है. देखा देखी भी करना पड़ता है. हाँ कुछ करना भी पड़ता है यू नो. सम थिंग्स यू जस्ट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू पुट अप अ शो. तो बट अदर देन दैट आई थिंक आई एम प्रोबेबली क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन. अच्छा
अच्छा तो प्यार का इजहार करने में कोई मुश्किल कोई दिक्कत हुई थी कि बाज़ुकात लोगों को ये भी लगता है आई थिंक इनिशियली होती है शुरू शुरू में होती है ये क्या समझती है खुद को मैं क्यों इसके सामने इस तरह से नहीं नहीं मुझे वो नहीं होता कभी नहीं होता नहीं होता आई थिंक इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इनटू दैट यू नो और यू नो फेम जनरली एक बड़ी मुश्किल चीज होती है संभालना सो यू नो कभी कभार इंसान कॉट अप हो जाता है लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं यू नो ज्यादा उधर ना जाऊं माफी मांगने में भी मतलब जल्दी करते हैं उसमें भी अना आड़े आती है कि कभी डिपेंड्स कभी आ भी जाती है कभी नहीं भी बट आई फील जो यू नो इफ यू से सॉरी यू आर अ बिगर मैन यू नो नॉट के कैसे सॉरी करते हैं जैसे कुछ लोग से मुझे सॉरी ना कह तो दिया सॉरी भाई सॉरी कह तो दिया था कितनी दफा और सॉरी कहूं सॉरी कह के थक गया हूं मैं सॉरी 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 एक ये तरीका होता है एक होता है कि आप वाकई कहते हैं यार हाँ देखो मैं आई थिंक वेरी सॉरी वो आई थिंक एक इंटरनल फीलिंग होती है कि या तो वाकई आपको अपनी गलती का एहसास होता है या फिर नहीं होता खुश आमदीद और सुबह बखैर आज हम मिल रहे हैं मिकाल जुल्फिकार से मिकाल जरा बड़े स्टार है हमारे नहीं नहीं यार थोड़े नखरे उखरे कर रहे हैं कह रहे हैं गला खराब है थोड़ा सा गिटार यार असल में मैं सिंगर नहीं हूँ मुझे जबरदस्ती जो ये लोग ना गवा रहे हैं इसकी एक्सक्यूज मी आप सिंगर हैं हाँ अंदर बाथरूम सिंगर हूँ मैं कभी हो सकता है हमें आपका मतलब कोई एल्बम भी देखने को मिल जाए मेरी ख्वाहिश तो बड़ी है टू बी ऑनेस्ट जैसे मैंने आपको कहा था मेरा आई नेवर परस्यूड इट लेकिन यू नो म्यूजिक वाज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू किसी के लिए गाना गाया कभी मिकाल मैंने एक्चुअली एक दो चीजें की हुई हैं यू नो पीपल लोगों को पता नहीं होगा एक आधा मैंने सिंगल भी बनाया था अच्छा कुछ खास उसको रिलीज नहीं किया एज आई सेड कि मैं कभी उसको सही तरह परस्यू नहीं टाइम नहीं दे सका उस चीज को लेकिन किसी के लिए गाना हाँ हाँ किसी के लिए बहुत सारे गाए मैं who's the lucky one well I there were many I think in my youthful days there were a few but I like singing I actually like singing to people ho na ghar pe get together ho raha ho 15 20 logo and Sahi. just you know jamming with a guitar or sab sun rahe I really enjoy that sahi acha kis tarah ka bachpan tha mikal ka you aap ek shy sanjeeda kamgo I was very shy I used to be quite shy lekin I was a very adventurous kid and I was really into sports a lot bahut sari sports khelna aur यानी लोगों के सामने आप जरा शर्मीले थे या आई यूज्ड टू बी शाय वैसे आप पूरे थे वैसे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सही मतलब इन माय सेल्फ हाँ वही वाली बात ना कि विद इन माय सेल्फ यू नो आई थिंक यू नो आई एम अ वर्ल्ड इन माय ओन यू नो तो जब वो वर्ल्ड्स कोलाइड करते हैं तो मैं शायद थोड़ा सा वो अरे ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं इसलिए किसी को पता ही नहीं होता है उनके पोटेंशियल का मैं बिल्कुल ऐसा हूँ होते हैं ना जो खामोश वालों में से हूँ जो सुनता है सबकी बात से सही और अपने अंदर ही जो है ना मैं सोचता रहता हूँ अच्छा लकी के आपकी वालदा ब्रिटिश थी तो आपको वो बचपन में मेरे ख्याल अट्ठा इधर बैठ जाओ नहीं अम्मी नहीं नहीं अम्मी सख्त थी थोड़ी सी और इतनी नहीं थी वो मारने मुनने वाली नहीं थी और अब्बू भी नहीं थे मुझे अपनी उर्दू टीचर से सिर्फ मार पड़ती थी और किसी से नहीं घर में कोई डांट टपट सख्ती जब आप नौजवान हुए पहला पता चला हमारा बेटा जवान हो गया पहली शिकायत आई हो या पहली दफा पता चला अच्छा ये उस लड़की के साथ जो पीरियड था ना 12-13-14 वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसमें मैं थोड़ा सा अग्रेसिव सा था बट अदर देन दैट आई वाज अ प्रीटी गुड किड अरे पहला जो क्रश था वो घर वालों को पता चला था कि नहीं वो खामोशी से हुआ और खामोशी से खत्म हो गया पहला क्रश खामोश इंसान है ना हाँ नहीं, इंसान नहीं, नहीं उस मामले में मैं कोई इतना खामोश नहीं घर वालों के साथ उतना खामोश नहीं है अच्छा हाँ आई एम क्वाइट ओपन एंड यू नो विद माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर्स सिस्टर्स वी हैव अ रियली यू नो वेरी ओपन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप तो उसमें कभी ये चीज नहीं रही कि बातें छुपाए या यू नो कुछ इस तरह या और कभी मेरे पेरेंट्स ने भी वो डर नहीं दिया कि यू नो उस तरह स्ट्रिक्ट नहीं थे कि तुमने इस तरह रेज होना है या ये नहीं करना या वो नहीं करना आई मीन कुछ चीजों पे ऑब्वियसली था लेकिन बहुत सारी चीजों पे दे वर वेरी रिलैक्स्ड बिल्कुल सही अच्छा हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन अपनी खूबसूरत से एक और मेहमान को बुलाते हैं मेरा ख्याल अभी उनके लिए जरूर गा देंगे मेरे इसरार पे तो नहीं गा रहे लेकिन मान चुके दोनों साथ साथ हैं उसमें और वहां कहेंगी तो फिर मिकाल जरूर गाएंगे बहुत खूबसूरत सा फेस और बहुत कमाल किस्म की उनकी एक्टिंग आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे वो एक सरमाया होंगी इस इंडस्ट्री के लिए प्लीज वेलकम पूरे जोर के साथ मेरे साथ आवाज लगानी है पता चले उन्हें वहां पे कि मैंने आना है अब महा वारसी गुड हाउ आर यू गॉर्जियस सुना तुसी कनाडा तो आए हो हाँ फ्रॉम टोरंटो बट बोर्न इन सऊदी अरेबिया
Achha, born in Saudi Arabia. Born in, a lot of people don't know that, but I was born in Saudi Arabia and then I was raised in Toronto. Achha. So, kaisa lagta hai, matlab Toronto se Pakistan? Beginning mein thoda mushkil tha, ab kafi used to ho gayi hu. Bahut hi suitcase kisam ki wo life ho gayi hai ki ab Toronto mein abhi Mikaal ko bhi bata rahi thi, I went for 20 days. And then Pakistan for 3-4 months and then back to Toronto.